त्रिपुरा केस पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी है। त्रिपुरा में सियासी हलचल मची हुई है। यहां टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख करीब आते ही कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है। टीएमसी नेताओं ने त्रिपुरा की विप्लव देव सरकार को बर्खास्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की मांग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। गृहमंत्री से हुई बैठक के बाद टीएमसी नेताओं ने कहा कि गृहमंत्री ने उनसे कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। अमित शाह से पहले टीएमसी नेताओं ने गृह मंत्रालय के बाहर धरना भी दिया। त्रिपुरा में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 334 सीटों में से 112 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। वहीं 222 सीटों के लिए 785 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.